नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स कोसेक लाइसेंस डोंगल जो है उसके जो तीन वेरिएंट्स है वो देखेंगे। फर्स्ट जो लाइसेंस डोंगल है वो डोंगल 100 है, ये पुराना डोंगल है, इसे मैट्रिक्स ने फेज आउट किया हुआ है। अगर आप इसको नए सॉफ्टवेयर के साथ यूज करना चाहते हैं तो जो लाइसेंस डिटेल्स है उसमें जो एयूपी रहेगा वहां से लेके जो करंट एयूपी है या फिर करंट जो सॉफ्टवेयर है वहां तक का एयूपी आपके यूजर के हिसाब से आपको परचेस करना पड़ेगा। ये डोंगल नए सॉफ्टवेयर के साथ भी चलता है, लेकिन अगर आपके यूजर 100 या 200 के ऊपर रहेंगे तो एनुअल अपग्रेड पैकेज लाइसेंस जो रहता है वो यूजर पे डिपेंड करता है। तो 100, 200 या उससे ज्यादा यूजर रहेंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप नए लाइसेंस परचेस करिए और इसके आगे जो नेक्स्ट नया डोंगल मैट्रिक्स ने इंट्रोड्यूस किया है वो है डोंगल 200, आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी एओपी कॉस्टिंग ज्यादा जाती है तो। अगर आपके यूजर 100 या 200 के आसपास ही है तो आप इससे अच्छा है कि नया ही लाइसेंस लीजिए, नया डोंगल लीजिए। नेक्स्ट डोंगल है डोंगल 200, ये मैट्रिक्स ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि अगर समझिए जो पहले वाला था डोंगल 100 उसका साइज पेनड्राइव जितना बड़ा था तो वो कोई पेनड्राइव समझ के लेके जाते थे या फिर वो कहीं मिसप्लेस हो जाता था। तो मैट्रिक्स ने क्या किया कि डायरेक्ट डिवाइस को ही कनेक्ट किया जाए। वेगा सीरीज जो है मैट्रिक्स का, कोसेक वेगा सीरीज है, फैक्स F40 वगैरह या फिर पैनल लाइट जो है उसके साथ आप ये डिवाइस कनेक्ट करके विदाउट कनेक्टिंग टू पीसी ये डिवाइस आप वेगा सीरीज के डिवाइस या कोसेक पैनल लाइट को कनेक्ट करके आप लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। इसकी जो खास बात ये है, ये आप बायोमेट्रिक डिवाइस से वेगा सीरीज के उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और पैनल लाइट जो है उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको पीसी को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पीसी के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी के लिए आप किसी कोसेक वेगा सीरीज के डिवाइस या पैनल लाइट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है डोंगल 300। एक्चुअली ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक वर्चुअल लाइसेंस है जो मैट्रिक्स, इसकी जो की है वो मैट्रिक्स इश्यू करती है। एक्चुअली ये जो चलता है वो V12R5 के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ चलता है। इसमें जो है आप फिजिकल कोई भी डोंगल आपके पास नहीं रहेगा, आपके प्रिमाइसेस में जो कुछ भी है जो मैट्रिक्स का जो लाइसेंस सर्वर है उसके साथ इंटरनेट से आपका जो सेंट्रा सॉफ्टवेयर है किसी भी पीसी पे इंस्टॉल किया हुआ वो मैट्रिक्स सर्वर के साथ कांटेक्ट करके अपने लाइसेंस फेच करता है। इसके लिए कंटिन्यूस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो ये वर्चुअल लाइसेंस है, इसमें आपको कुछ डोंगल वगैरह नहीं मिलेगा। इसका एक्टिवेशन प्रोसीजर सेम है जैसे डोंगल 100 या 200 के साथ आप एक्टिवेट करते थे। कंसिडर कीजिए अगर आप आपके जो पुराने लाइसेंस है डोंगल 200 या 100 वो आपको माइग्रेट करना है वर्चुअल लाइसेंस पे, तो इसमें जो एयूपी एनुअल अपग्रेड पैकेज जो रहता है वो कंसिडर कीजिए कि आपका एयूपी जो है वो अप्रैल 2021 का था और आज है सितंबर, तो अप्रैल 2021 से आज तक 3 साल 4 महीना तो +6 मंथ मतलब आपको 4 साल का एयूपी लेना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो लाइसेंस है वो माइग्रेट हो जाएंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है आपके डोंगल 100 या 200 में वो वर्चुअल लाइसेंस को माइग्रेट हो जाएंगे। पीएलटी टाइम वगैरह जो रहते हैं वो आपको एक्स्ट्रा परचेस करने की जरूरत नहीं, आपको खाली एयूपी लेना पड़ेगा। जहां तक आपके पुराने डोंगल के एयूपी है वहां से आगे करंट मंथ प्लस उसके आगे 6 मंथ का एयूपी आपको लेना पड़ेगा। तो जो पुराना डोंगल हमने पहले देखा डोंगल 100 उसमें पहले कैसा कि PMEG ऐसे डोंगल के वेरियंट्स आते थे, तो वो आपको पहले अपग्रेड करना पड़ेगा PLT प्लेटफॉर्म पे, PLT डोंगल होना चाहिए। आप अगर आप लाइसेंस इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा ये PLT बेस्ड डोंगल है क्या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।